नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। आज मैं यूं ही बैठा था, सोच रहा था कि क्या सोचूं। तो सोचते सोचते मेरे माइंड में एक थॉट आया, ये फोटो मैंने देखा था। तो इस टॉपिक पर वीडियो तो मैंने बनाया नहीं हूं, लेकिन सोच रहा था कि बना देते हैं, तो इसका एक कॉपी बना लेता हूँ। इसमें आज क्या करने वाले हैं वो समझ लेंगे सबसे पहले। तो कॉपी मैंने बना लिया है इस फोटो का, मतलब फाइल को दो डिवाइड कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया हूँ। ठीक है, आंखों के इस साइड में जो रेड वाले कलर दिख रहे हैं इसको कैसे हटाना है, दो तरीके हैं, दोनों अलग अलग तरीके हैं और दोनों से काम बन जाएगा। अब काम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो ब्रश टूल की मदद लेंगे, ठीक है, और ब्रश टूल से ये वाला कलर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से, ये वाला टूल को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रश टूल की मदद लेंगे और इसका परसेंटेज कम करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे एक नया लेयर बना देंगे। और अब यहाँ से ये चला दिया हमने जहाँ तक जरूरत है, और इस वाले लेयर को चलाने के बाद इसको ओपासिटी को कम कर देंगे और इसको सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देंगे। तो ये जो होता है कलर, ये कुछ हद तक कम हो जाता है, जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ हद तक कम होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कम नहीं होता। लेकिन अगर इसको अपन नॉर्मल, अगर नॉर्मल में करना है तो क्या करना होगा, एक और लेयर बना लेते हैं और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसमें और इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ऐसे मैनेज किया जाता है इस कलर को। ठीक है, ऐसे मैनेज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं लगता है, देखो बहुत ख़राब लगता है। तो दूसरा तरीका क्या है, कर सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं, और मैनिपुलेट करेंगे इसको, मैनिपुलेशन करेंगे तो यहाँ चीज़ें बदल जाएगी, और एडजस्टमेंट करेंगे तो चीज़ें बदलेगी जरूर, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। दूसरा तरीका इस वाले फ़ोटो में आजमाएंगे हम लोग। ये फ़ोटो लिया है, इसके ऊपर एक लेयर ले लेते हैं, ठीक है, खाली वाला। अगर लेयर लेते नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से इधर थ्री डॉट और यहाँ से न्यू लेयर लिखा है, शिफ्ट कंट्रोल एन, और ये कुछ भी नाम रख देंगे और यहाँ से ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये नया लेयर ले चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान से अगर समझेंगे आप तो इसका लेयर मोड बदल के इधर कलर में क्लिक कर देंगे, पहले ही, बाद नहीं करना है, पहले ही ये काम करना है। ब्रश टूल की मदद लेंगे, इसको 100% कर देंगे और अब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्रैग करना है इस लेयर पे रहते हुए। कैसे करना है, सॉरी ये मेरा मिस्टेक से कुछ गड़बड़ हो गया शायद से। करना तो यही चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप उसका निराकरण कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर अपन रिसेट कर देते हैं टूल को, ब्रश टूल को, यहाँ से एक नया लेयर लिए और यहाँ से इसको कलर कर दिए और ब्रश वाला बॉल का बटन दबाया और यहाँ से ये देखेंगे। ठीक है, अब ये इसको चला रहे हैं, क्या क्या किया समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी कम करके इसको थोड़ा सा इधर भी चलाएंगे, इधर थोड़ा रेड रेड दिख रहा है। हाँ, बस हो गया। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ चीज चीजें काम करिए। देखिए पहले और अब में अंतर, पहले और अब। ठीक है, अब इसका क्या तरीका था, क्या किया मैंने वो समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको हटा देते हैं, इस वाले फाइल को भी हटा देते हैं, अब इस पर ठीक से काम करेंगे। ठीक से ये जो फाइल है इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक नया लेयर बनाएंगे यहाँ से और कुछ भी नाम रख देंगे, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नाम रख देता हूँ, ओके क्लिक कर देंगे। इसका लेयर मोड बदल के यहाँ पर कलर में क्लिक कर देंगे, ये कलर में क्लिक कर दी। यहाँ से ये जो टूल दिख रहा है इस टूल की मदद लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे आंखों के ऊपर पे जो स्किन है यहाँ पर, और ब्रश टूल की मदद लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको,
और इसके ऊपर चला देंगे, ठीक है, ठीक तरीके से चलाएंगे ताकि बहुत बढ़िया लगे। और इसके बाद में काम खत्म हो गया, और अब देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो चीज़ें पहले से बेहतर हो गई। तो ये तरीका क्यों है? ऐसी बहुत सारी फोटोज़ होती है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर इस चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, और उस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाती है, चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है, ख़राब लगता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो इस टिप्स का यूज़ करके आप इस टाइप की फ़ोटो को ठीक कर पाएंगे, और अपने आप में ठीक है, क्योंकि ये ख़राब नहीं है, ये बेहतर ऑप्शन है। जब आप उसको ठीक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कितने बेहतर तरीके से चीज़ें काम कर गई। और ठीक नहीं कर पाएंगे, इधर उधर मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, इधर उधर घुमाएंगे, तो जब प्रिंट आएगा निकल के तो बहुत ख़राब आएगा। तो ये छोटा सा टिप्स था, शायद आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो। आप शॉर्ट वीडियोज़ मतलब छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा क्योंकि आप लोगों को थोड़ी समस्या हो जाती। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।